यार नींद आ रही है मगर काम बहुत है। मुझे लगता है अपने अंदर का काला जगाना पड़ेगा। We're gonna get out of bed. We're gonna get a Red Bull. Wake up, no. We're on our way to get some Red Bull in the car right now. We're driving real fast. We're gonna get some Red Bull right now. I can see them little kids right there. I'm gonna see them little kids right there. Yo, kids, give me some Red Bull. Yo, boy, give me some Red Bull. Let's do this. We're kicking it down there, cut the market. Right after we get done with the Red Bull, we're gonna work. जासिर आबड़ो ने एल्बम पे गिटार बजाया। जासिर भाई ये आपके सेटअप में ये क्या क्या पेडल्स हैं? कोरस, ब्लूज ड्राइवर, कंप्रेसर सस्टेनर। वाह वाह। एंड देन इट्स गोइंग टू दैट एम्प। गाने की रिलीज का वेट करो। फ्रेश लुक के लिए मुरु ने अपने बाल कटवाए। मैं का बंदा थोड़ा मार्केट में लुक्स भी फेंक रहे। गुड जाना हो तो बाल क्या कटवाए, काम भी मिल गया। मॉडल्स और डिजाइनर्स का इंटरव्यू लिया। You said it was a selfie. This is the thing what people do now. They pretend like it's a picture and then they do the video and then they go like. औरंगजेब का गाना मिक्स किया। तो मैं टू-डू लिस्ट बनाता हूँ ताकि मैं अपने रास्ते पे फोकस चलूँ। Especially on days when I have to be efficient. This is my advice to all the people who want to do work in life. You know, काम करना चाहते हैं जो लोग। नहीं काम करना चाहते ना तो मेरी बातें आप ना ही सुने। Do I look like a waiter? Is that bow tie that's doing it? But I like it. एहसान का सेक्सी ये होता है। सेक्सी लड़की। बच्ची चेक। एहसान ये अगर व्लॉग में आ गया और तेरी बीवी को पता चल गया कि तू बच्चे चेक करते हो। कभी नहीं पता चल सकता। मेरे मोबाइल की वीडियो ही चेक करती है बस। शक वाला मैं काम ही नहीं करता सीधा। बर्न हिट। हैंड चेक किया तो वेप का जूस भी खत्म होता नजर आया। और मैं क्योंकि 3 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ, प्लान तो ये है कि लाहौर के फुल मजे लें। मजे। फ्लाइट्स बिन रीस्केड्यूल्ड। मैं और इरज जा रहे हैं। मैंने वो वेपराइजर का कॉइल लेना है। अकॉर्डिंग टू इरज अच्छी बात है कि बाहर मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन मेरी प्लम्बिंग के लिए है क्योंकि मेरे बाथरूम में हर फ्लश के अंदर 2 फर्क लैंडे पड़े हुए हैं। फ्लश नहीं काम करते और पानी नहीं आता। नॉट प्रिटी लैंडर्स। व्हाट एम आई इन रियल लाइफ? मंडेन। इरज को लगता है नहीं खुली होगी। ओ यार बंद पड़ी है। यस चलो सिनेबन खाते हैं, उतनी देर में खुल जाएगा। लिसन टू मी। ओके आई नो बेस्ट। सिनेबन खाते ज्यादा अच्छा बात शुरू हो जाती है। ओके इरज नोस बेस्ट। ओके आई एम लिसन। वो खोल रहा है शॉप अब। मतलब के बताओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज कार्मा। लेट मी शो यू गाइस व्हाट जस्ट हैपेंड। आई एम सो ग्लैड आई कॉल्ड दिस ऑन कैमरा बिकॉज़ यू विल हैव टू लिव दिस डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो खुल गया बेटा। नॉट ओपन येट। खुल गया। ओपनिंग सही है। 0.3 ओम की कॉइल लगवाई। I love taffy. कुछ फ्लेवर्स आपको बचपन की याद दिला देते हैं। Oh my God, it's such a beautiful flavor. बेटा, तैमूर, बेटे ये क्या कर रहे हो? अम्मी वो वेप कर रहा हूँ वेप। बेटा ये बुरी आदतें छोड़ दो। दो मुझे इधर वापस दो ये। वापस दो इधर। नहीं नहीं ये। नहीं अम्मी अम्मी मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। नहीं अम्मी मेरा वेप, मेरा वेप। मेरा वेप। ब्लूबेरी चॉकलेट मफिन, वनीला बीन फ्लेवर। और बचपन के कुछ सदमे आप कभी नहीं भूलते। आंखों में मेरी जो समाएगा। चलो चलो लाहौर की पैकिंग करें। ये जी मेरा सारा सामान है। आईफोन का बैटरी पैक, चार्जर फॉर मैकबुक, गोप्रो, आईपैड, यूएसबी, शेड्स, वेप फ्लूइड। गुड बाय। फैशनेबली लेट। फ्लाइट इज एट 4 और अभी 2:45 हो रहे हैं। इहसान जीत की लेन में गाड़ी चला, हार की लेन में ना चले। और इहसान ने वाकई जीत की लेन में गाड़ी चलाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेफ्ट से निकाल ले, राइट से निकाल ले, पढ़ते इहसान पढ़ते गाड़ी। नपी चल नपी चल, पिंच दे पिंच दे पिंच दे। पहुंच गया। ओके ओके 3 दिन बाद मिलते हैं। अब बाकी सब तो मेरी जिम्मेदारी है। चल बेटा चल 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 चल। जी थैंक यू। अब क्या जल्दी यार, अब तो बोर्डिंग पास मिल गया। रिलैक्स। रास्ते में 20 रुपए जमीन पे गिरे मिले। इसको डोनेट कर दिए। किस कॉज पे जा रहे हैं? सैलानी मिल पर। सैलानी मिल पर। गेट नंबर 23 लिखा हुआ। गेट नंबर 23 है लेकिन असल में गेट 23 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गेट नंबर 2 जाना है। ये रहा गेट नंबर 2। बस के जरिए प्लेन तक पहुंचे। यार वेप अभी तक बर्न हिट दे रहा है, पता नहीं क्यों।
Let's try it one last time. Ugh. Iska to scene off yaar. Pala kare plane na crash kare. Economy class beta. Lekin jab sari seatein khali hon aapke sath, economy class bhi first class ho jati hai. माशाल्लाह इकोनॉमी क्लास की साफ खिड़की बहुत अच्छी। प्लेन की आबो हवा को अपना रंग देने के लिए एक जरा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ऑन ऑल BIA फ्लाइट्स। वी विश यू अ प्लेजेंट फ्लाइट। थैंक यू। नींद से जागा तो हम लाहौर लैंड कर रहे थे। बस जल्दी से सेक्सी कपड़े पहने और बच्चियां डाउन करने का मंसूबा बनाया। थोड़ी बच्चियां चेक की, थोड़ी नौकरी निभाई। थोड़ी और बच्चियां चेक की, थोड़ी और नौकरी निभाई। पहले दिन उन्होंने हमें अंदर शो में ही नहीं जाने दिया, तो मैं और मानला इधर एग्जीबिशन एरिया में टहलते रहे। मानला यार, बच्चियां कैसी लग रही हैं आज की आप तुम्हें? यार जी, बच्चियां तो अच्छी नहीं, लेकिन साहब जी भी कोई कपड़े है कि नहीं साहब जी? मानला इसको फैशन कहते हैं। फैशन में लोग नई चीजें ट्राई करते हैं। यार जी मेन तो फजूल लगते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें क्या बताओ ऐसे भी। क्या करें यार, जीने की तो हमको है तलब, मगर जीने को कुछ मिलता ही नहीं। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अपनी तारीफ खुद क्यों ना कर लूं मैं। और क्या मैं था जब वो आई। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव लाहौर। द अदर रीजन आर द रोड्स। दोस्त सड़क को नापो नहीं, सड़क को महसूस करो। आह हरियाली। बचपन में मैं यहाँ पे स्कूल बंक करके स्नूकर खेलने आता था। और नया पुल, वेल डन मियां साहब, वेल डन वेल डन। हाँ जी, ये ग्लोरिया जीन्स। ग्लोरिया जीन्स की पूंडी बेहतर होती थी और कॉफी टी कंपनी के सैंडविचेस बेहतर होते थे, तो मैं सैंडविचेस कॉफी टी कंपनी से पकड़ता था और पूंडी जो है वो ग्लोरिया जीन्स की। यार माँ जैसा किचन रखने वाली बीवी मिल जाए ना तो क्या ही बात होगी। थोड़ा सा मैंने बालों में कंडीशनर लगाया। आज दूसरा दिन है BLBW का और मैं अपनी आवाज बदल के आया हूँ और उम्मीद है कि उससे असर होगा और मुझे BLBW के अंदर भी जाने देंगे। आज D2 पे मुझे ऑल एक्सेस पास मिल गया है। शुरू में काफी ट्रिपी माहौल था। Here is the other host, Anusha Ashraf. Bachi check. Oh, I know those guys. यार मैं तो सोच रहा था कि मैं बच्चियां चेक करूंगा, लेकिन मेरी नजर तो इन कपड़ों से ही नहीं उतर रही। वाह क्या बात है। New day in Lahore, last day actually for me in Lahore, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ और सोचा थोड़ी बहुत ड्राइविंग कर लूँ कि लाहौर का मंजर यार थोड़ी अब्सॉर्प्शन। आज के कपड़े थोड़े से फर्क हैं, ये शर्ट फर्क है, ये कोट फर्क है, ये पैंट सेम है, ये जूते मेरे हैं, ये भी फर्क है। तीसरे दिन मैंने नोटिस किया कि शो के पीछे भी कोई होता है, इनका हिटलर मेरा मतलब लीडर। और इसी तरह आखिरी शो खत्म हुआ। आज की पूंडी खत्म हुई। अमानला कैसी लगी तुम्हें आज की पूंडी? यार जी मैं दसना तानू, मैं नोट कीता जे लाहौर दी बच्चियां जे ना ओ लाहौर दी बच्चियां ने ओ कोर कोई तो लाहौर की बच्चियां लाहौर की होंगी भाई, क्या कहना चाह रहे थे? क्या जी मैं कहना चाह रहा के लाहौर दी बच्चियां दा कोई जवाब नहीं, लाजवाब ही क्या ने। वैसे बात तो सही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गोरी बच्चियां बेहतर लगती हैं। गोरी चाहिए, लाहौर की भी गोरी हैं लेकिन बैन अलकौमी टाइप। यार जी बैन अलकौमी तो बेकार क्या होती ने बगैर जी। मान लो वो खुली डुली सी होती हैं,
मतलब कि बॉयफ्रेंड भी उनके रह चुके होते हैं, फैक्ट्री से गुजर चुकी होती हैं, खुली डुली सी होती हैं, उनको डेट कर सकते हो, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं होता। यार जी तुसी भाभी का जो घर ला रहे हो? भाभी तो अभी कुछ जल्दी नहीं आने वाली, कोई आजाद पंछी हूँ, क्यों तू मुझे पिंजरे में बंद करना चाह रहा? नहीं यार जी, मैं तो कह रहा जे तुसी एक सोने मुखड़े वाली देगी ना, एक फैशन शो तो चुक लो शादी। मान लो यार फैशन शो है, बाजार नहीं है कि जिसको दिल चाहे चुक लो। खैर अभी मूड नहीं है शादी का, ठीक है आजाद रहने दे, मुझे ज्यादा बकवास ना कर। हाँ अकेला ही सही है। हाँ अकेला ही ठीक हूँ मैं, रहने दो मुझे, रहने दो मुझे, सोने दो, सोने दो। उनके कराम छड़ गया मैं डापिया।